कहते हैं जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के खादर इलाके के भदौला गांव के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस गांव में कुछ लोगों ने अजीब से अंडे देखे। जब वो अंडे देख रहे थे, उसी वक्त कुछ अंडे अपने आप टूट गए, जिसमें से मगरमच्छ के बच्चे बाहर आ गए। लोगों ने मगरमच्छ के बच्चों को जैसे ही देखा, तत्काल इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों की माने तो ये पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और शायद इसी वजह से वहाँ मगरमच्छ आ गए होंगे। यहाँ रहने वाले गुलेम सिंह का कहना है कि साल भर पहले भी यहाँ के रहने वाले एक शख्स के घर पर मगरमच्छ निकला था, जिसे सूचना के बाद वन विभाग की टीम पकड़कर अपने साथ ले गई। अब फिर से यहाँ मगरमच्छ के अंडे निकलना चिंता का विषय है। ओला में एक मगरमच्छ के काफी अंडे व बच्चे, अंडों में से कुछ बच्चे भी निकले हुए गांव में मिले हैं। एक हमारे बदौला में किसान है अरुण त्यागी जी, उनके मकान में यह अंडे व बच्चे मिले हैं। आज से 2 साल पूर्व एक बहुत बड़ा मगरमच्छ यहां मिला था, तो हमने फॉरेस्ट विभाग को यह सूचना दी थी, तो वह हमने पकड़कर फॉरेस्ट वालों को दे दिया था गांव वालों की मदद से। पर अब फिर छोटे छोटे बच्चे व अंडे बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो हम प्रशासन से यह अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनका कोई इलाज देखा जाए। हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ आती है तो अभी बाढ़ आने से पहले यह काम हो रहे हैं, तो फिर आगे हमें यह डर है कि और भी ऐसे भयानक जीव जंतु न आए। बता दें कि यहाँ के लोग खेती करते हैं और कई बार उन्हें अकेले ही खेतों और तालाबों में जाना पड़ता है, ऐसे में मगरमच्छ को लेकर उनकी चिंता लाजमी है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।